Hi friends, I am Gaurav, digital marketing consultant and trainer since 2013, having 7 plus experience of digital marketing. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था पेज एक्सपीरियंस अपडेट के बारे में, जो कि 2021 में रोल आउट होगा गूगल के अंदर. मैंने ये भी बताया था उस वीडियो में कि कौन कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि पेज एक्सपीरियंस को इफेक्ट करते हैं, कौन कौन सा ऐसा मेजरमेंट है जो कि आपको पेज एक्सपीरियंस से रिलेटेड होता है. तो ये सारे मेजरमेंट्स को आप एक तरह से पेज एक्सपीरियंस सिग्नल्स के तौर पे देख सकते हैं. ये सारे मेजरमेंट्स एक सिग्नल्स के तरह काम करते हैं आपके वेब पेज के लिए. अगर आपके वेब पेज में सारे सिग्नल्स अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट अच्छा परफॉर्म करेगी नेक्स्ट ईयर में, और अगर आपकी वेबसाइट में सारे सिग्नल्स का परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर है, अपकमिंग 2021 में अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, रैंकिंग काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगी. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हेल्प करेंगे आपको इम्प्रूव करने में अपने पेज के एक्सपीरियंस को. तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ही आप एनालिसिस करेंगे अपने सर्च कंसोल में जाकर कि आपके वेबसाइट में क्या क्या कमी है, आपके पर्टिकुलर एक वेब पेज में किस तरह का स्कोर है, उस स्कोर के अकॉर्डिंग ही सर्च कंसोल भी आपको इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको क्या क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है. लाइक अगर आपकी इमेज का साइज काफ़ी ज़्यादा है तो आपको इमेज के साइज को इंप्रूव करना होगा. अगर आपके CSS का साइज बहुत ज़्यादा है तो आपको CSS को इंप्रूव करना पड़ेगा. अगर आपके JavaScript का साइज बहुत ज़्यादा है तो आपको JS को इंप्रूव करना पड़ेगा. तो इस तरह से पहला जो इंप्रूवमेंट का स्ट्रेटजी होता है वो आप अपने सर्च कंसोल से ही फाइंड आउट कर सकते हैं. सर्च कंसोल ही आपको बता सकता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ों पे वर्क करना है अपने वेब वाइटल को इम्प्रूव करने के लिए. वेब वाइटल में और जो सिग्नल्स हैं जिसके बारे में मैं बार बार बात कर रहा हूँ वो होता है आपका HTTPS, आपकी वेबसाइट सिक्योर है या नहीं. दूसरा होता है सेफ ब्राउजिंग, आपके वेबसाइट में कोई मॉलवेयर इन्फेक्टेड तो नहीं है, कोई तरह का इंजेक्टेड फाइल्स तो नहीं आपके वेबसाइट के अंदर. ये सब चीज़ों को आपको इम्प्रूव करके रखना है. तीसरा, आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है. लोडिंग टाइम एक पार्ट है आपका वेब एक्सपीरियंस सिग्नल का. रिपीट करता हूँ कि वेब सिग्नल्स कौन कौन से हैं जिसको इम्प्रूव करना होगा अगर आपको वेब आइटल्स को इम्प्रूव करना है. पहला, वेब आइटल के जो मेजर थ्री पार्ट्स हैं आपके, LCP, FID और CLS. तो ये तीन वेब आइटल्स को आपको इम्प्रूव करना है अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं वेब एक्सपीरियंस को. इसके अलावा जो सिग्नल्स हैं वो आपका HTTPS, सिक्योर ब्राउजिंग, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, लोडिंग टाइम ऑफ द वेबसाइट, कंटेंट स्टेबिलिटी. तो इतने सारे टर्म्स हैं जिसको आपको इम्प्रूव करना होगा. और बेस्ट तरीका है इम्प्रूवमेंट का कि आप सर्च कंसोल में जाइए, वहाँ से आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आपको क्या क्या इम्प्रूव करना है. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए डिजिटल मार्केटिंग के टॉपिक के साथ मिलूंगा. थैंक यू.